हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर टॉप 10 में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के 10 सबसे लंबे पुल के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। एक पुल एक इमारत है जिसे पानी के शरीर, घाटी, सड़क या रास्ते में रेल जैसे बाधाओं को दूर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। पुलों के अवरोध के ऊपर से गुजरने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया जाता है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे तौर पर भारत के तीव्र विकास की रीढ़ है। भारत के राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का एक अनिवार्य रूप से घटक ब्रिजिंग है। पुलों का उपयोग मुख्य रूप से यात्रा की सुविधा और डिस्कनेक्ट किए गए स्थानों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यातायात से भी बचा जाता है। भारत में कई ऐसे पुल मौजूद हैं जो कि भारत के सबसे बड़े पुल भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के सबसे लंबे पुल के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, ढोला शादिया ब्रिज, असम। ढोला शादिया ब्रिज या जिसे डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। यह पुल असम राज्य में स्थित है। यह पुल असम के तिनसुकिया जिले के ढोला और शादिया गांव को लोहित नदी के पार से जोड़ता है, जो ब्रह्मपुत्र की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ढोला शादिया के पुल की कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 12.9 मीटर है, जो कि भारत के दो पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। 26 मई 2017 को नितिन गडकरी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुल का उद्घाटन किया था। नंबर 2 पे आता है दिबांग नदी पुल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग नदी पुल भारत में पानी के ऊपर दूसरा सबसे लंबा पुल है और इसकी लंबाई 6.2 किलोमीटर है। यह पुल वर्ष 2018 में परिचालन में आया था। दिबांग नदी पुल अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी में स्थित है। दिबांग नदी पुल भारत के पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी तक फैला है और बोमजीर और मालिक के गांव को जोड़ता है। एलओसी के पार चीनी सैन्य खतरों के मुकाबला करने के लिए यह पुल भारतीय सेना के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 3, महात्मा गांधी सेतु, बिहार। महात्मा गांधी सेतु या गंगा सेतु भारत का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है। इस पुल की लंबाई 5.75 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 25 मीटर है। महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य के पटना में स्थित है। दक्षिण में पटना और उत्तर में हाजीपुर इस पुल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि गांधी सेतु गंगा नदी के ऊपर स्थित है, इसलिए इस पुल को गंगा सेतु के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल का उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मई 1982 में हाजीपुर में एक समारोह में किया था। नंबर 4, बांद्रा वर्ली सी लिंक, मुंबई। बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का चौथा सबसे लंबा पुल है। पुल की लंबाई 5.6 किलोमीटर लंबी है और 8 लेन की चौड़ाई है। यह पुल मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में स्थित है और माहिम खाड़े को पार करता है। यह सी लिंक दक्षिण मुंबई में वर्ली को मुंबई के पश्चिम उपनगरों में बांद्रा से जोड़ता है। यह पुल पश्चिमी फिरवे के एक हिस्से के रूप में बनाया गया है, जो नरीमन पॉइंट पर मुंबई के प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्र को पश्चिमी उपनगरों से जोड़ता है। नंबर 5, बोगीबिल ब्रिज, असम। यह भारत के पांचवें सबसे लंबे पुल के रूप में शुमार है। बोगीबिल नदी पुल, जो ब्रह्मपुत्र नदी को 4.94 किलोमीटर तक फैलाता है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। उत्तर पूर्व भारत और शेष भारत इस पुल से जुड़े हुए हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम में धेमाजी और डिब्रूगढ़ जिलों के बीच एक सड़क और रेल पुत्र ब्रह्मा नदी को पार करता है। 25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर इस पुल का अनावरण किया था। नंबर 6, विक्रमशिला सेतु। भारत में छठा सबसे लंबा फुट ब्रिज विक्रमशिला सेतु है, जो गंगा पर बना है, जो भारत के बिहार राज्य में भागलपुर के करीब स्थित है। इसका नाम मूल विक्रमशिला महाविहार के नाम पर रखा गया है, जिसे राजा धर्मपाल ने स्थापित किया था। 4.7 किलोमीटर लंबाई यह पुल बरारी घाट और नौगछिया को जोड़ता है। नंबर 7, वेम्बनाड ब्रिज, यह कोची केरल में स्थित है और 4.63 किलोमीटर लंबा है। इसे भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बनाता है। कोची में यह पुल एडापल्ली और वल्लारपदम को जोड़ता है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील पुल की नींव के रूप में कार्य करती है। वेम्बनाड रेल ब्रिज का उद्घाटन 2011 में किया गया था। नंबर 8, गंगा रेल रोड ब्रिज, यह एक रेल मार्ग पुल है जो गंगा नदी तक फैला है और दीघा घाट को पहलेजा घाट से जोड़ता है। चूँकि पहलेजा घाट सोनपुर में स्थित है, इसलिए इसे
दीघा सोनपुर रेल मार्ग पुल भी माना जाता है। यह एक रेल सह सड़क पुल है जो बोगीबील पुल के बाद सूची में दूसरा सबसे लंबा पुल है। इसकी कुल लंबाई 4.7 किलोमीटर है। दीघा सोनपुर ब्रिज का उद्घाटन 2016 में किया गया था। नंबर 9, आरा छपरा पुल। आरा छपरा ब्रिज के नाम से मशहूर वीर कुंवर सिंह सेतु 4.35 किलोमीटर लंबा है। यह पुल गंगा नदी पर बिहार के आरा और छपरा शहरों को जोड़ता है। आरा छपरा ब्रिज का उद्घाटन 2017 में किया गया था। नंबर 10, गोदावरी ब्रिज। गोदावरी ब्रिज, जिसे आमतौर पर कोवूर राजमुंद्री ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, भारत का तीसरा सबसे लंबा रेल मार्ग पुल है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह राजमुंद्री के पास गोदावरी नदी तक फैला हुआ है और इसमें एकल रेल ट्रैक के ऊपर एक सड़क डेक है जिसमें 4 लेन है और इसे राजमुंद्री के प्रतीकों के रूप में भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 4.27 किलोमीटर है। गोदावरी ब्रिज का उद्घाटन 2015 में किया गया था। तो ये रहा भारत के 10 सबसे लंबे पुल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।